नमस्कार दोस्तों, आज 26 अप्रैल है और मैं आज आपके लिए आज का कोरोना अपडेट लेके आया हूँ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। आज अगर बात करें हम तो आज करीब 5058 मामले सामने आए हैं, वहीं 67 लोगों ने अपनी जान दी है कोरोना के चलते। कुल मौतों की बात करें तो प्रदेश में अब तक करीब 2213 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं आज अगर एक्टिव केस बात करें तो हमारे यहाँ अभी तक 39,031 केस अभी वर्तमान में एक्टिव है। अच्छा, कोरोना से दूसरे जो अपडेट है उसमें अब अगर आप शादी है, कोई समारोह है तो उसमें करीब 50 लोगों को आपको परमिशन मिलेगी, लेकिन उस परमिशन के लिए उन 50 लोगों के नाम आपको सूची में देने होंगे, तब आपको जिला प्रशासन आपको अनुमति देगा। वहीं पुलिस ने अपना कड़ा रुख अपना लिया है, अगर आप कर्फ्यू नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके पास आपके ऊपर सीधे सीधे मुकदमा दर्ज होगा। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने भी अपना कार्यालय 3 तारीख तक के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है। वहीं जिला कार्यालय जितने भी हैं जिले में, प्रदेश में, वहाँ पूरी तरह बंद करके उनको सैनिटाइजर करने का काम किया जा रहा है। देहरादून में कर्फ्यू की घोषणा कल तो हो गई थी, लेकिन अब देहरादून के साथ साथ नैनीताल, उधम सिंह नगर और पौड़ी जनपद में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो मित्रों, मैं आपको कल भी कह चुका हूँ, इसके लिए पैनिक होना नहीं है, लेकिन सुरक्षा रखनी है, सावधानी रखनी है, खुद को सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, इन नियमों का पालन करें। मैं प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से अनिल रावत, कैमरामैन मुस्कान थापा के साथ।